तो स्वागत है चल पे सत्य बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, ईवीएम की तस्वीर खींचकर बीजेपी का नेता बहुत खुश हो रहा था। कांग्रेस पार्टी ने किया ऐसी शिकायत कि इसके बाद अब लपेटे में आ गए हैं बीजेपी के नेता। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। इसी के साथ में मोदी के रोड शो में कांग्रेस पार्टी की तारीफ करते हुए कई सारे लोग दिखाई दिए, जिसके बाद राजस्थान में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है। साथ साथ आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के बड़े नेता को बदनाम कर रहे थे बीजेपी के अध्यक्ष, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भेजा गया है नोटिस। साथ साथ ईवीएम की सुरक्षा में लगाए गए कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता, वहीं आपको बताएंगे क्या चुनाव में हार मान चुके हैं केसीआर, उनके बयान को लेकर इस तरीके की चर्चाएं चल रही है। साथ साथ अखिलेश यादव ने बनवा दिया नेताजी का एक बड़ा स्मारक। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में बीजेपी पर भीम आर्मी के नेताओं को खरीदने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है। साथ साथ मोदी को पनौती कहने पर बीजेपी के लोग पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राजस्थान के ओपिनियन पोल में जो दावा किया जा रहा है उससे समीकरण एकदम पलटते जा रहे हैं और इस बार राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने ईवीएम की तस्वीर वोट डालते वक्त खींची थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसकी शिकायत करवा दी। इसके बाद बीजेपी के पूर्व पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जयपुर से लेकर तमाम क्षेत्रों के अंदर रोड शो करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में चल रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से जब एक मीडिया वाले ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग मोदी को सपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन राज्य के अंदर सरकार तो उन्हीं की बननी चाहिए जिन्होंने वास्तव में विकास किया है। कांग्रेस पार्टी की गारंटी जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, खासकर चिरंजीवी योजना जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से धरातल पर लागू है, लोगों को फायदा मिल रहा है और इसीलिए लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार गहलोत सरकार चाहते हैं। मोदी के रोड शो में इस तरीके की बातें सामने आना स्पष्ट संकेत दे गया है कि बीजेपी के लोग बड़े बड़े नारे जोर जोर से मोदी के नारे लगवा ले लेकिन जमीनी स्तर पर लोग तो राजस्थान के अंदर स्थानीय सरकार के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, पक्ष में नजर आ रहे हैं। साथ साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित बयान को लेकर और सोशल मीडिया पोस्ट करने पर बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। दरअसल दोस्तों कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने के लिए आपके द्वारा यह बयान दिया गया है, इस पर स्पष्टीकरण दीजिए। दरअसल इससे पहले प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को नोटिस देते हुए कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गलत टिप्पणी की गई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आई और भाजपा के नेताओं को भी अब लपेटने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोस्तों कई और शिकायतें भी दर्ज कराई जाएगी, यानी बीजेपी को उसी की दवाई पिलाई जा रही है। साथ साथ ईवीएम में छेड़खानी का डर सता रहा है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र जहां से वो प्रत्याशी बनकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दिमनी विधानसभा, यहां पर बीएसपी और कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने डेरा डाला हुआ है। सीसीटीवी कैमरा जो टीवी पर लाइव किया जा रहा है वहां पर बिस्तर बिछाकर लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और बीएसपी के खासकर कार्यकर्ता बैठकर देख रहे हैं कि कोई ईवीएम की छेड़खानी ना करे। दिमनी विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी दिन रात स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर खुद देख रेख कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जगह जगह जिम्मेदारी संभाल रखी है। साथ साथ चुनाव से पहले केसीआर बोले, कहा जैसे जैसे मैं दौरा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी हार रही है, यानी वो मान चले हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है सर्वे के अंदर और तमाम दावों के अंदर, और यही बड़ा कारण है कि केसीआर कह रहे हैं कि जब जब मैं राज्य के अंदर अब लगातार रैलियां कर रहा हूं, जहां जहां जा रहा हूं वहां वहां कांग्रेस हार रही है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल और यहां तक की सट्टा बाजार की रिपोर्टें भी यही बता रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा जंप मारा है, केसीआर और उनकी पार्टी बीआरएस पार्टी को काफी पीछे छोड़ दिया है। यही बड़ा कारण है कि अब वो प्रशांत किशोर को बुलाकर 3-3 घंटे तक बैठ के कर रहे हैं और अगले 9 दिनों की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनकी स्ट्रेटजी कुछ फायदा उन्हें पहुंचा पाएगी नहीं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर बचा कुचा उनका विकल्प भी खत्म होता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के भरोसे बैठी है बीआरएस पार्टी, उसे लगता है कि AIMIM उसे मुस्लिम समुदाय के वोट डलवा देगी, लेकिन अब बीआरएस पार्टी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब तेलंगाना के मुस्लिम समुदाय के बड़े संगठनों ने एक गुट बनाया है जिसका नाम है ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर तेलंगाना मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने खुलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने की बात कही है। एक मीटिंग में ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद मुस्लिम समुदाय के हित में फैसले लागू कराए जाएंगे और राज्य में बीआरएस पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया है। साथ साथ सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद समाजवादी पार्टी ने उनके स्मारक बनाने की कार्रवाई शुरू की है। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन सैफई पहुंचे अखिलेश यादव, उनके साथ शिवपाल यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। तीनों ने भूमि पूजन करने के बाद स्मारक की नींव रख दी है। इसके बाद
अखिलेश यादव ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि नेताजी के उसूलों की याद हमेशा बनी रहे, वो हमेशा एक प्रकाश स्तंभ की तरह सकारात्मक राह दिखाती रहे। इसी बड़ी सोच की बुनियाद पर गांव सैफई में उनका ये स्मारक मुकम्मल होगा। भूमि पूजन कर दिया गया है, नेताजी की स्टैचू भी लगाई गई है। दोस्तों, नेताजी एक छोटे से गांव से इतने बड़े नेता बने कि उन्होंने देश भर के अंदर अपनी राजनीति का दबदबा मनाया है और पिछड़े और दलित समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को आर्थिक के साथ साथ सामाजिक न्याय भी दिलाया है। इसीलिए नेताजी को याद किया जाता है और अब स्मारक बनने के बाद बड़ी संख्या में लोग यहां पर उन्हें याद करने के लिए भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसैया और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते पर बीजेपी से साठ गांठ का आरोप लगा है। उन्हीं के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और डबरा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रूपेश कैन का आरोप है कि दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी एससी एसटी के हित में काम करने की बजाय केवल चुनाव में एससी एसटी के वोट काटने के लिए अपनी काली कमाई के पैसे से नौजवान को खरीद कर कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी उम्मीदवार खड़े करती है। चाहे बीएसपी हो, चाहे भीम आर्मी हो, चाहे जयस हो, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, इन संगठनों को बीजेपी के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। जिसकी सरकार बने उन्हें अपना एजेंडा देना चाहिए। एससी एसटी के हित के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम कांग्रेस जन उनका साथ देंगे। 28 अक्टूबर को भोपाल में हुआ था विवाद। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वीडियो भी शेयर किया है। साथ साथ दोस्तों, मोदी जी की रैली में आया एक शख्स स्पष्ट तौर पर ललन टॉप प्लेटफॉर्म पर कहता है कि कांग्रेस पार्टी की योजना चिरंजीवी योजना, जिसमें 25 लाख रुपए का लोगों को सहायता दिया जा रहा है, बड़े से बड़े इलाज कराए जा रहे हैं, वो धरातल पर है, लोगों को फायदा मिल रहा है, बिना भेदभाव के मिल रहा है। ये सारी बातें सुनकर शायद सोशल मीडिया पर राजस्थान का हाल बताने वाले तथाकथित मीडिया कर्मी और भाजपा समर्थक भी चौंक गए होंगे, क्योंकि हकीकत यही है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से योजनाओं को धरातल पर लागू किया है, ये अपने आप में उनके पक्ष में बड़ी संख्या में महिलाओं से लेकर हर समुदाय के वोटों को मोबिलाइज करने के लिए काफी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ छतरपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के पार्षद सलमान की हत्या के मामले को लेकर तीसरी FIR दर्ज की गई है और अब दिग्विजय सिंह का भी नाम डाल दिया गया है। यानी ऐसा लग रहा है कि मानो पहले भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह और राजनगर कांग्रेस के प्रत्याशी और विधायक विक्रम सिंह नाती राजा समेत 60 और लोगों के खिलाफ खजुराहो थाने में केस दर्ज किया गया है। एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि दिग्विजय और कांग्रेस के प्रत्याशी समेत 60 लोगों ने खजुराहो थाने के सामने बिना किसी अनुमति के टेंट लगाकर धरना दिया था। पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसीलिए प्रदर्शन करना अलाव नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने प्रतिवेदन दिया था। इसके बाद सभी आरोपियों पर धारा 188 यानी आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कराया गया है। इन नेताओं ने धरना इसलिए दिया था ताकि बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन उल्टा इन्हीं के खिलाफ केस कर दिया गया है। दोस्तों, साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी प्रत्याशी पर लगे गंभीर आरोप बार बार। मध्य प्रदेश से ऐसी गंभीर खबर सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो मध्य प्रदेश ने ऐसा परिवर्तन कर दिया है कि सत्ताधारी दल जो 18 सालों से सरकार चला रहे हैं, वो इस बात को पचा नहीं पा रहे। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर के पनागर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता की बेरहमी से पिटाई का वीडियो से जुड़ा हुआ है। भाजपा प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी पर मारपीट करवाने का आरोप लगा है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी पर मारपीट करवाने का आरोप लगाया है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पटेल के साथ जो घटना हुई है वो बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पर की गई है। घटना से 20 मिनट पहले ब्लॉक अध्यक्ष दाऊ बीजेपी प्रत्याशी के सामने मढ़ई में अपने कार्यकर्ताओं को बूथ की जवाबदारी देने के लिए बैठे हुए थे। इंदु तिवारी ने उनकी और उनकी गाड़ी की फोटो खींची और वहां से निकल गए। 15 मिनट के बाद ये घटना हुई है, ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की ओर से दी गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी ने डंके की चोट पर राजस्थान में पनौती बता दिया था, जिसके कारण भाजपा के लोग ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कोई गंदी गाली दे दी हो। हालांकि पनौती शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके आने से कोई बुरी घटना घट जाती है या फिर कोई गलत न्यूज आ जाती है, जिनके उपस्थिति से नेगेटिविटी आ जाती है, यानी एक तरीके का पर्सनल बिहेवियर भी से कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोगों को लगता है कि ये गाली है। और वैसे भी राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद भाजपा स्पष्ट तौर पर मान रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये शब्द कहे गए हैं। दिग्विजय सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने भी मोदी जी को पनौती मान लिया है क्या? बीजेपी के नेताओं के नजरों में तो प्रधानमंत्री मोदी विश्व गुरु है। ये सवाल उन्होंने पूछा है क्योंकि भाजपा के लोग शिकायत करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए हैं। साथ कांग्रेस के साथ गारंटी योजना विज्ञापन पर रोक, चुनाव आयोग ने मांगा है स्पष्टीकरण। राजस्थान में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के मिस्ड कॉल वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी है। साथ ही कांग्रेस से
स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मांग की थी कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव में प्रचार कर रही है, अखबारों में बता रही है कि 7 गारंटी का जादू है, 156 सीटों पर कांग्रेस की जीत पक्की हो गई है, कांग्रेस की 7 गारंटी का जादू शीर्षक नाम से भ्रामक विज्ञापन छापे जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन में कहीं भी किसी विज्ञापन या प्रभाव फीचर का जिक्र नहीं किया गया है। भाजपा ने शिकायत में कहा है कि विज्ञापन राज्य स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन कमेटी से प्रमाणित नहीं था। बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज करवाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कोई विज्ञापन करवा रहा था और कांग्रेस विरुद्ध में वोट करने की अपील कर रहा था और विज्ञापन में लिखा भी नहीं था कि कौन ये विज्ञापन करवा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तब शिकायत की तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा कि आप लोग इस पूरी खबर पर क्या मानते हैं। साथ साथ कम मतदान वाले क्षेत्रों में बीजेपी को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी है। दोस्तों, यही बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में शहरी इलाकों में जहां पर कम वोट पड़े हैं, बीजेपी ने उसकी समीक्षा के लिए बूथवार रिपोर्ट मंगवाई है। वीडी शर्मा ने कहा कि बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, लेकिन उनके द्वारा कम मतदान वाले बूथों पर समीक्षा बैठक बुलाने और बूथवार रिपोर्ट मंगवाने का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी को समझ में आ चुका है कि शहरी इलाकों में भाजपा को इस बार वोट नहीं पड़े हैं और वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि क्या वाकई ये सच्चाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।